ये सपा सपा बसपा के लिए थ्रेट का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य एक ही है, और वो लक्ष्य ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को हटाना है और एक अच्छी और एक सुथरी सरकार हमको दिल्ली में बैठानी है। लेकिन इसमें राहुल जी का प्रयास ये था कि सब लोग इकट्ठे एक जगह आ जाएं और उससे हमारी हमारी विजय और पक्की हो जाएगी। लेकिन उनके सुझाव या जो भी उनकी दावत थी उस पर सब लोग किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं लेकिन आप क्यों कह आपस रहे में। हैं सर? नहीं सपा नहीं बसपा आत्मा कही नहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अब कुछ ऐसा नहीं लग है। रहा है कि कुछ अपनी पार्टी अपना कार्यक्रम करने के लिए, अपनी पार्टी को जीवित रखने के लिए लोगों को कुछ बातें करनी पड़ती हैं। हर बात पर ओवर सेंसिटिव होना कोई अच्छी बात नहीं है, कुछ उचित बात नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर हमको मिलना ही होगा अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। आज मिलेंगे या कल मिलेंगे, इसी का सिर्फ इसी की चर्चा लोग आपस में करते हैं। लेकिन जो संभव था वो हुआ है, जो संभव नहीं था वो नहीं हो पाया। लेकिन राहुल जी ने बड़ी उदारता के साथ ये कहा कि मैं जो आए उसके साथ भी खुश हूँ, जो नहीं आए उसके साथ भी खुश हूँ। अगर लक्ष्य हमारा एक ही है तो उस लक्ष्य की तरफ हम लोग सब प्रयास करें और उस लक्ष्य पर की तरफ आगे बढ़ें और उस लक्ष्य को हम पा सकें, ऐसा उन्होंने कहा। इस समय बात सिर्फ पीछे छोड़ने और आगे जाने की नहीं है, बात यह है कि लक्ष्य पूरा हो जाए। ये तो मानना पड़ेगा, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कहते हैं। ये मानना पड़ेगा कि देशव्यापी अगर कोई पार्टी इस समय है मंच पर तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के 44 मेंबर, आज जब हम बहुत बुरे हाल में पिछले चुनाव में रहे तो 44 मेंबर आज हमारे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन खारगे जी हमारी पार्टी के हैं। लेकिन ये बात भी सभी लोग मानते हैं और जानते हैं कि अगले चुनाव में पूरा अगर पूरा मैप देख लिया जाए और मैप देखकर ये आंकड़े लगाए जाएं कि किसके कितने मेंबर्स आ सकते हैं, चुन के आ सकते हैं, तो सभी लोग मानते हैं कि उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी वो कांग्रेस होगी। इसमें तो दो राय नहीं है। कोई बहुत कठोर शब्द नहीं उपयोग करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मैजिक ब्लैक होता है, काला मैजिक होता है, काला जादू होता है, और कुछ मैजिक वो होती है होती है जो लोगों को आकर्षित करती है, खींच लाती है, और एक सच्चे मन से लोग उस मैजिक से जुड़ते हैं। उसे कमाल कह लीजिए, उसको उसको एक मिरेकल कह लीजिए, उसको मैजिक कह लीजिए। जो आज प्रियंका जी ने संदेश दिया है लखनऊ जाकर और उत्तर प्रदेश में से आकर सक्रिय राजनीति में आरंभ अपनी अपने जीवन को करना, संदेश यही है कि अब हम राजनीति को बदलेंगे। यही बात राहुल जी लगातार कहते चले आ रहे हैं कि हम स्वच्छ राजनीति चाहते हैं, हम स्पष्ट राजनीति चाहते हैं, हम खुली राजनीति चाहते हैं, हम पारदर्शिता चाहते हैं, हम सच्चाई चाहते हैं। ये वो कहते चले आ रहे हैं और इस बात को और मजबूत किया है प्रियंका जी ने आकर, और उन्होंने कहा कि मैं ज़मीन से इसी को खड़ा करूंगी, ऐसी ही राजनीति को खड़ा करूंगी। तो अब किसी ना किसी को तो इस बात का नुकसान होगा, किसी ना किसी को तो इस बात का धक्का लगेगा, और जिसको होगा और जिसको धक्का लग रहा है वो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा है। हम देख रहे हैं कि रोज़ मसारे सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो हमको इस बात की चिंता नहीं है कि कौन चिल्ला रहा है, हमको अपना लक्ष्य सामने रखना है। हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें कहीं धोखा नहीं खाना, हमें कहीं लड़खड़ाना नहीं, बल्कि सीधे हमको अर्जुन की चिड़िया की आंख को देखकर हमें सीधे उसकी तरफ बढ़ना। बात बड़ी स्पष्ट है, तो हर एक ने इसको माना है और हर एक चाहता था कि प्रियंका जी सक्रिय राजनीति में आएं। आज आई हैं, ऐसा संभव हुआ है, और इससे एक लहर सी दौड़ी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अब मेहनत ना करें, अब हमें और मेहनत करनी होगी, दुगनी मेहनत करनी होगी, और हमको उस विश्वास को पूरा करना होगा जिस विश्वास से वो आई हैं राजनीति में, और जो विश्वास हमको उनमें है उस विश्वास को भी हमको दिखाना होगा कि ये विश्वास जो था वो एक स्थिर विश्वास है, वो एक मजबूत विश्वास है और इस पर हम खरे उतरेंगे। इन सब के बीच रॉ और वाड्रा और ईडी का जो जो पूछताछ चल रहा है, उसको किस तरह कितना पॉलिटिकल ले रहे हैं? देखिए, अब राहुल जी ने कह दिया कि आप जिस पर चाहो जांच कर लो, हमें कोई डर नहीं है, जिस पर चाहो जांच कर लो, लेकिन जो सवाल हम पूछ रहे हैं उनका जवाब दो।
इसको बहाना मत बनाओ, एक आड़ मत बनाओ, इसके पीछे छुपने की कोशिश ना करो। हमने कोई गलती नहीं की है, इसको हम दिलेरी के साथ कह रहे हैं, और अगर कोई झूठे इल्ज़ाम लगाता है तो हम उसके विरोध उसका विरोध कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। हमको डर नहीं है किसी बात का, ठीक है वो आप किसी पे इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, हम मजबूती से दिलेरी से लड़ते रहेंगे, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे, हमको कहीं भी किसी की वजह से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। राहुल जी ने जब कहा कि हम बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट पे खेलेंगे, तो क्रिकेट की जो उन्होंने तस्वीर बताई है कि हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे जब हम बैटिंग करेंगे, और हम तेज बॉल करेंगे जब हम बॉलिंग करेंगे। वो कहते हैं ना कि सत्ता का ताज पहनाया जाता है, तो सत्ता के ताज में बहुत सारे हीरे जवाहरात लगते हैं, तो एक बड़ा हीरा आज हमको एक और मिला है उसको सत्ता के ताज में लगाने के लिए। लेकिन ताज तभी मिलेगा जब हम कार्यकर्ता पूरा काम करके दिखाएंगे, मेहनत से काम करेंगे, सच्चे मन से काम करेंगे, और सिर्फ ये नहीं बैठे रहेंगे कि हमारे नेता आकर हमको ये सीट सौंप देंगे, बल्कि ये कि हमारे नेता ने इतना बड़ा कदम उठाया है, अब इस कदम में हमारा नेता कहीं पीछे ना रह जाए, नेता को सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में पहुंचाने के लिए और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हम दिन रात जुट जाएं, काम करें, ऐसा हम लोग चाहें। इंदिरा जी की झलक मिलती है क्या? यकीनन मिलती है, तो आप लोग सब कह रहे हैं कि इंदिरा जी की झलक मिलती है, इंदिरा जी की झलक भी है, इंदिरा जी की झलक भी है, और इंदिरा जी का तेवर भी है, और इंदिरा जी ने जो इस देश के लिए किया है उसकी हम सबको उम्मीदें भी।